हाँ जी सीपी शर्मा जी, सारे सवाल जवाब हो गए, मैं तैयार हूं फूफा। अब देखो रिश्ता तो रिश्ता है भाई, रिश्ता तो रिश्ता है। ये तो रही बात रसिया बाजी की, लेकिन अंत में जो तुमने गीत गाया, इस गीत से मैं किसी भी स्थिति में आपके गीत को बढ़िया नहीं कह सकता। आपने कह दिया, आपने कह दिया कि तेल महंगा और रिफाइंड महंगी, गैस महंगी, ये दर्द आम आदमी का नहीं है, ये दर्द है तुम जैसे गद्दारों का। जय हो। क्यों आप उस शख्स पे उंगली उठा रहे हो? हमारे हिंदुस्तान की सेना के पास में हथियार नहीं होते थे, जे रैकेट नहीं होते थे, राफेल विमान नहीं होता था। आज माननीय मोदी जी की ताकत है कि पूरा विश्व हमारे आगे मस्तिष्क को झुका करके खड़ा है। ये ताकत है तो मोदी जी की ताकत है, किसी और की ताकत ये नहीं है। और सुनो, और सुन लो, असली असली बात तो अब चक्कर में तुम फंसे हो। हाँ, ये सारो जी जाकर के चक्कर में आए फंसे तुम, असली चक्कर में तो जा गीत दे तुम आए हो। अब मोदी का ही जवाब तुम्हें दिया जाएगा, और मोदी का जवाब भी ऐसा दिया जाएगा कि इस गीत को तुम किसी के भी सामने गालोगे, लेकिन आज के बाद रामवीर के सामने गाने की जरूरत नहीं करोगे, ये मेरा दावा है तुम्हारे साथ। अब भैया कब तक रोयो? महाविराट पैदा हुआ था, सीपी शर्मा तुम बूढ़े तो है गए, न तो तुम्हारे आगे बारे ने मालूम, न पीछे बारे ने मालूम, पगल वाले हैं। हम बताएंगे तुम्हें क्या हुआ था, किसने दूध पिलाया, ये ले लेके डोल लेना, डेढ़ सौ रुपया में ये काऊ काम के ना, ये टम्पू के पहिए अध्ययन करो। अब जब बुढ़ापे में उन्हें करोगे तो करोगे कब, पर जो आदमी स्कूल कब गयो ना हो वो कहा जाने, अगर तो काम चल रहा है माने, या पढ़िया ले आए, अब के भैंसिया ले आए, या पेंट लग रही है, है? तुम्हारी जब पढ़िए को इंतजाम करूंगा, जब पढ़िया लेके आएगा, जब पढ़िए हुए जे नौ महीना के बाद जहां आवेगी तो दो आऊंगी ध्यान रखना। अब ये मौत नहीं मन में हंसा,
करो मंजिल मिलेगी। कि मैं राधा कुंज बिहारी को, लुंज बिहारी को और कुंज बिहारी को, पहले उस कुंज का शब्दकोश में अर्थ ढूंढो, पहले ढूंढो। वो लग रहा तुम पनीरी वाले हो सब, पीछे वाले। कोई बात नहीं गुरु, अब मैंने छंद जो छोड़ा था ये YouTube बजेगा, दुनिया सुनेगी। तुमने अपने छंद को मुझे कहां से शुरू करके लाए थे तुम, और आपने अपने छंद को पहुंचा दिया था बात तक, और बा के बाद मैंने अपना छंद शुरू किया था। भले न बचन जा मुख में पिताजी, भा मा या रा ला, और मैं छोड़ करके गया था। उत्तमे बोल के आधु बहना, ऊपर नीचे करके नैना, ऋतु के संग विवाहित है ना। ऋषि तक पहुंचाया था मैंने। अब रि के बाद कौन सा अक्षर आना चाहिए? छोटी ए। अब वो कहां से शुरू है रे? का कबूतर। क्या बात है, बहुत सुंदर। तुम्हें का कहूं मैं तुम्हें, सवेरे पेमेंट हूं मुझे देनो है। अब तुम जल्दी मर गए तो बहू में हिला पर। अरे करके बेर खैर संगीता जी, नैनन पानी धरवाए रहे हो, और खत्म भई सब प्रतियोगिता जी, जो लाल गाल चरवाए रहे हो। खत्म भई मोदी का जवाब दे दिया जाए ना। हाथ खड़ा करके बताओ भैया, बजाइयो मां साहब ने कहा है मजबूरी। मोदी जी जापू रोको, अच्छी बात है मोदी जी जाए रोको, तेल सस्तो करते हो और इनके लिए तो जरा काका सस्तो है जाए, होना चाहिए। लेकिन ये महंगाई यहां तक आई है तो इसके भी कारण हैं। कारण क्या है? अरे डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। ये हमारे आदरणीय ठाकुर लटूर सिंह असगरपुर वाले 201 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें। बात कर रहे हो अगर मोदी जी की,
कोई बुरा ना माने तो भैया शुरुआत कर दूं मैं वहीं से जहां से होनी चाहिए। तुम जैसे लोग तो देख रहे हैं कि जाए सस्तो करो, लेकिन कुछ लोग अपने हृदय में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? धारा 370 हटी सौदा ऐसा दे आए
ताली सुन लेना, ये अड़िया पड़िया भूल जाओगे। जैसे को तैसा दे आए, और अगर आनंद आ जाता पूरे पांडाल में ताली। जैसे को तैसा दे आए, तेरी पड़िया क्या मन कर दे गो हम कुन्ना भैंसा ले। तो है कोई के मर गए सब रे, पड़िया ले आए यहाँ जब पड़िया ना को इंतजाम ना हो गया। अब ये आया मजा के ना आया। एक बात और कह रही जब करवा के मानेगी, अब हम कह रहे हैं क्या सुन ले दोबारा, कितने लोग जा रहे भैया दोबारा कि ना ए फ्री में ना ए जा पड़िया को जा को गिन गिन पैसा दे आए, जा को गिन गिन पैसा दे आए। खुश है गए प्यारे घर बारे सौदा हम ऐसा दे आए, सौदा हम ऐसा दे आए। तुम समझ सके ना जा चक्कर को, तुम समझ सके ना जा चक्कर को। जैसे को पैसा दे आए, जैसे को पैसा दे आए, जैसे को पैसा दे आए। और दोबारा की मांग करिए तो दोबारा जैसी ताली। अरे जैसे को पैसा दे आए, तेरी पड़िया क्या मन कर दे गो हम कुन्ना भैंसा ले आए। तेरी पड़िया क्या मन कर दे गो हम कुन्ना भैंसा ले आए। इन गद्दारन कूटो को, अरे इन गद्दारन कूटो को, अरे इन गद्दारन कूटो को, इन गद्दारन कूटो को। और हमारा कहना इतना है तुम गद्दारन कूटो को और काल चीन के ठोको, अरे और काल चीन के ठोको, अरे और काल चीन के ठोको। कने नजर झुकाई बापा, कने नजर झुकाई आज बापा, कने नजर झुकाई। और जो महबूबा कहती थी कि इस कश्मीर में तो पत्थरबाजी चलेगी, आज कोई पत्थर वाला नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कहना देख। बापा कने नजर झुकाई, अरे छाती पे, अरे छाती पे, अरे छाती पे चढ़ गया मोदी तेरी अम्मा रोके न पाई। और देखिए जब पाकिस्तान की बात आ रही तो गुरु दो लाइन आधा रही है कि एक रैली पाक में मुलायम सिंह की है गई तो नए नए छोरन की बहार बन जाएगी। पंडित जी बिल्कुल एक नया मैटर दे रहा हूँ। हाँ जी संतोष भाई, एक रैली पाक में मुलायम सिंह की है गई तो नए नए छोरन की बहार बन जाएगी, क्योंकि मुलायम सिंह जी कहते थे कि बच्चों से गलती हो ही जाती। अरे नए नए छोरन की बहार बन जाएगी, अरे एक रैली पाक में भाई केजरीवाल की तो खांसी की बीमारी लगातार बन जाएगी, खांसी की बीमारी लगातार बन जाएगी, खांसी की बीमारी लगातार बन जाएगी। अरे एक रैली पाक में भाई राहुल गांधी की तो हर बात मुख्य समाचार बन जाएगी, अरे हर बात मुख्य समाचार बन जाएगी। और मुझे विश्वास है एक भी आदमी बिना ताली के नहीं रहेगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो होने वाला है। हर बात मुख्य समाचार बन जाएगी, अरे एक रैली पाक में भाई योगी मोदी की तो पाक में हूँ बीजेपी सरकार बन जाएगी। पाकिस्तानी
यहाँ जानकार लोग नहीं है, कितना होशियार बनना है, मनमोहन के पांच अक्षर और सत्यभामा के कितने होंगे, साढ़े चार और मुकर्रम पांच। रामवीर भाई रामवीर भाई तेरे ऐसे जने कितने ट्यूशन पढ़ते हैं बेटा है? अरे छल की कर कर के अग्यारी सब रासों परवाए चुके तो चल रही आगे क्रोध की प्यारी बेशक संकट टरवाए चुके। भैया बहू को हिसाब किताब कर दो जाएगा, बजाइयो ना के पास बजाओ। रिश्ता ते तू मेरो
आशिक है जा रिश्ता दे तू मेरो सारो है। और अब सुनियो तुम्हारे कान घूमे हो जाएंगे तालियां सुन के क्या जाके लबले तर को नतीजा हूँ जाके लबले तर को नतीजा हूँ जाके लबले तर को नतीजा हूँ जाके लबले तर को नतीजा हूँ। हाँ भाई थोड़ी सी कमी है। अरे जाके लबले तर को नतीजा हूँ तेरा होने वाला चीजा जरवाए के मानोगी भैया तुमके तो कह दूंगा। अरे बेटा तू कुआ में जान देने कि कजरा कजरा सब बिखर गयो कि कजरा कजरा सब बिखर गयो। अरे मस्ती भरवाए के मानेगी अरे मस्ती भरवाए के मानेगी सीला की जवानी लोड़न में ऊपर परवाए के मानेगी कोशिश करूंगा इस नंबर पे आपकी फरमाइश पूरी हो जाए। हाँ जी मां साहब 5 मिनट में रसिया। संतोष बाबू ये बताओ जो स्टेडियम बनाया उसकी जनसंख्या कितनी है बताइयो भैया। संतोष जो स्टेडियम बनवाया बामे कितनी जनसंख्या बैठ सकते हैं भाई साहब पूछ रहे हैं बताइए। देख अहमदाबाद। हाँ अब आइए साहब कौन है दूध पिलायो। सब तेरो ही है घबरा चलो। देख कह रहे थे कि किसने दूध पिलाया जब स्तन नहीं थे तो किसने दूध पिलाया सुनिएगा। ए रे बन गयो रे को व्यवहार लगे गो चाको मन
हुआ कृष्ण के साथ और आदि राजा का विवाह हुआ रायण के साथ। आप कह रहे थे कि आधा हिस्सा है तो आधा आधा विवाह हुआ तो आधा आधा हिस्सा दोनों का हुआ। अब मैंने बता दिया कि आधे कन्हैया आदि राधा, तो आप ले आए कि आधे शंकर और आदि गौरा। ऐसे तो पूरी रात लड़ता रहेगा क्या? हर पे हर माने विष्णु, हर पे हर जब मोहित है गए, हर पे हर जब मोहित है गए, हर पे हर जब मोहित है गए। भगवान विष्णु मोहिनी रूप जब बनाकर गए तो भोले बाबा मोहित हुए के हर पे हर जब मोहित है गए, बहु गए ना साधे एक दूजे में समाए गए वो हर हर आधे आधे। और शर्मा जी देवी भागवत के प्रथम स्कंद को पढ़िए। अरे ना मिली आंचल की छाया, ना मिली आंचल की छाया, ना मिली आंचल की छाया, और ना गोद खिलायो, और ना गोद खिलायो, और ना गोद खिलायो। और ऐसा नहीं है, हम तुमसे सौ गुने जानकार रसियाबाजी के जनता में आते हैं। कहना है नाए मिली आंचल की छाया और नाए गोद खिलायो। और किसने पिलाया मैं बता रहा हूं, अगर मेरी बात हकीकत हो तो आशीर्वाद चाहूंगा। अरे और नाए गोद खिलायो, आदि शक्ति माँ जगदम्बा ने बा पुत्र को दूध पिलायो। लड़ गए टुकड़ा रसियौ लड़ो तुम्हारो, छंद लड़ो और लड़ गए है टुकड़ा रसियौ लड़ो तुम्हारो। गोवर्धन महाराज को बोलो मिलके सब छे गीत को गाया। उस गीत की फरमाइश कमेटी के द्वारा है
तो ये वो गीत मैं 5 मिनट में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मेजर चित्रेश विष्ट का गीत आप लोगों के आशीर्वाद से, जिसे लाखों की संख्या में सुना गया, 5 मिनट में आप लोगों के सामने। मां साहब मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना। हमारी जन्नत है,
हिंदुस्तान उस चीन और पाकिस्तान से कहे तो ये हिंदुस्तान हमारा। अरे याद शहीदों की आए नैनों से बरसे पानी है, आज दोनों हाथ उठा कर कह दो कि हम सब हिंदुस्तान। आज दोनों हाथ उठा कर कह दो कि हम सब हिंदुस्तानी है। पंडित जी महाराज मेरा सौभाग्य गुरु कृपा से ये गीत मेरी कलम से लिखा गया। जब घर पर तिरंगे में लिपटी हुई वो सब यात्रा आई तो गांव वालों की आंखों में जब आंसू देखे तो वो मां कहने लगी कि गांव वालों रो रो कर मेरे बेटे की शहादत का अपमान मत करो। कौन कह रहा है मेरा बेटा मर गया? मुझे ये गम नहीं कि मेरा बेटा गया, मुझे गम है तो केवल इतना गम है करे ऊपर वाले तूने मुझे एक बेटा ही क्यों दिया। अगर दो बेटे भी होते, चार बेटे भी होते, छह बेटे भी होते तो उन बेटों को देश के लिए हंस करके कुर्बान कर देती, उनकी कुर्बानी का मुझे कोई गम नहीं होता। लेकिन गम है तो केवल इतना मनहूस आया फोन परिवार वाले मोन रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। मनहूस आया फोन परिवार वाले मोन रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। अरे रोया दिल हाथ भी कपे के कपे रह गए। अरे मौत से था सामना तो आई कामना, मालाओं पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए। मालाओं पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए। मालाओं पे मंत्र भी जपे के जपे रह गए। दुल्हन के अरमान देख रहा हिंदुस्तान, चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। और फिर पूरा हिंदुस्तान यूट्यूब पर देखेगा ये लाइन, बरसों से इस लाइन को प्यार मिला है। आप लोगों का भी दोनों हाथ उठा करके मैं तालियां चाहूंगा। अरे चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। अरे चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। लेकिन कम है तो केवल इतना कि चूड़ी और कंगन नपे के नपे रह गए। अरे ना बारात जा सकी ना घर में बहू आ सकी, ये शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए। शादी के कार्ड भी छपे के छपे रह गए। मुहूर्त से पहले ही बेटा दूल्हा बना है, सजा छोड़ आरती का, सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। ओ सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। सुहागन का जोड़ा माथे की बेंदी रखी रह गई दुल्हन के हाथों की मेहंदी। हाथों की मेहंदी रखी रह गई और माहौल क्या है उत्सव के बदले घर में वो मातम मना है। तो जीवन की पूंजी सब धन माल जा रहा है। ये जीवन की पूंजी सब धन माल जा रहा है। सजा छोड़ आरती का थाल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा घोड़ी के बदले चार कंधों।
खोप जाता के खा कर के गोली इसका ये सीना तना है तो ऊंचा गर्व से करके भाल जा रहा है। ओ ऊंचा गर्व से करके भाल जा रहा है। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल जा रहा है। और कहा कि सहनाई बैंड बाजे बड़े नामी गामी दी जा रही है इसको तोपों से सलाम। ओ दी जा रही है इसको तोपों से सलाम। अब माँ कह रही है, माँ के जो अंतिम शब्द हैं, जो माँ का भाव है वो लिखा हुआ सुप अमर तो ममता चैतन्य हो गई। हुआ सुप अमर तो ममता चैतन्य हो गई। ऐसा पुत्र जन के मेरी को धन्य हो गई। ओ ऐसा पुत्र जन के मेरी को धन्य हो गई। संतोष भाई हास्य हो तो ऐसा हो कि हर कोई हंसे जैसा आपने और हमने किया, और करुण रस हो तो ऐसा हो कि अगर सुई भी फेंक दी जाए तो उस सुई की भी आवाज जनता से आ जाए। लेकिन ठाकुर साहब गम कब होता है? इधर तो हमारे जवान खून की होली सीमा पर खेलते हैं, लेकिन दर्द तब होता है जब सीमा पे शहीदों के देखिए ये छोटा भाई हमारा आज एक चमकता हुआ सितारा रस्सियाबाजी में अपना नाम कर रहा है, और भाई की ओर से ये आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा आप लोग तालियां बजा करके संतोष भाई को आशीर्वाद दें कि ये अपने अखाड़े को आगे ले जाएं। हुआ सुप्त अमर तो ममता चैतन्य हो गई। ऐसा पुत्र जन के मेरी को धन्य हो। ओ ऐसा पुत्र जन के मेरी को धन्य हो। विजय भैया है, इनकी ओर से भी ये पुरस्कार मिला है, मैं नमन कर रहा हूं। लेकिन कम कम होता है सीमा पे शहीदों के कफन सिल रहे हैं। सीमा पे शहीदों के कफन सिल रहे हैं। अगर हकीकत हो तो एक एक हाथ तालियों में बदल जाए। सीमा पे शहीदों के कफन सिल रहे हैं। नेता दुश्मनों से जाके गले मिल रहे। अरे नेता दुश्मनों से जाके गले मिल रहे। तो रामवीर दुश्मन दल का ये पानी छना है के लाला वतन की बन के ढाल जा रहा है।